हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव फ्रेंड्स। इस सेशन में हम जानेंगे कि विड्थ टूल को कैसे यूज करेंगे और विड्थ टूल का यूज करते हुए किस तरह से हम लोग क्रिएटिव डिजाइंस बनाएंगे। स्ट्रोक की थिकनेस में वेरिएशन देने के लिए हम लोग विड्थ टूल का यूज करते हैं, यानी कि हमें थिकनेस कहीं से कम रखनी है और कहीं पे ज्यादा रखनी है, तो इसके लिए हम लोग विड्थ टूल का यूज करते हैं। ये हम लोग किसी भी पाथ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी शेप पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या पेंसिल से हमने अगर पाथ बनाया है तो उस पर भी अप्लाई हो सकता है, पेन टूल से बनाया है तो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा, या कोई भी शेप है तो उसमें भी अप्लाई हो जाएगा। यानी किसी भी पाथ पे किसी भी स्ट्रोक में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक स्पाइरल शेप क्रिएट कर रहे हैं और विड्थ टूल का यूज करते हुए इसकी थिकनेस में वेरिएशन करेंगे। अब एक सर्कल क्रिएट करते हैं और इसको हम हाफ कर लेंगे और इस पे हम विड्थ टूल से इसका थिकनेस एडजस्ट करके हम इससे क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट करते हैं। रोटेट टूल सेलेक्ट करके ऑल्ट प्लस क्लिक करेंगे और वैल्यू एंटर कर लेंगे। कंट्रोल प्लस डी यूज करते हुए डुप्लीकेट कर लेंगे। इसके अलावा स्ट्रोक पैनल में हमें कुछ प्रीसेट विड्थ प्रोफाइल्स भी मिलते हैं, उनको भी हम अप्लाई कर सकते हैं। कार्टून डिजाइन, फ्लोरल डिजाइन एंड लोगो डिजाइन के लिए विड्थ टूल बहुत ही यूजफुल टूल है।